आरनीएस की परिकल्पना। देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आरनीएस की परिकल्पना क्या होता है। आरनीएस के अनुसार अम्ल क्षार लवण की परिभाषा है। देखिए अम्ल की परिभाषा डेफिनेशन, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देंगे जलीय विलयन के अंदर, कौन सा आयन देंगे, वो हाइड्रोजन आयन देते हैं जलीय विलयन के अंदर। अगर हम किसी भी वीकर के अंदर हम अम्लों को ले लें, मान लो अम्ल ले लिए और जब इनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो इस प्रकार के अम्लों को हम, इस प्रकार के विलयनों को हम अम्ल कहते हैं आरनीएस के अनुसार। HCl इज इक्वल टू H प्लस Cl, मतलब यानी हाइड्रोजन आयन एक्वेटिक। ये AQ लिखा है, इनकी जलीय प्रवृत्ति या पदार्थ की अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है बच्चों। यहाँ पे एक्वेटिक नहीं होता, जलीय। दूसरा उदाहरण दिया है HNO3 इज इक्वल टू H प्लस एच धनाइन प्लस NO3 ऋणाइन। ये आपके धनाइन प्राप्त होता है यहाँ पे जलीय विलयन से, इनको जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसी प्रकार से आरनीएस के क्षार प्रवाह से देखिए, यहाँ पे वह पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, जलीय विलयन में अपघटित होकर, मान लो जी कि हमने कोई भी पदार्थ के OH ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, उसको हमने जलीय विलयन में उसको अपघटित किया, तो ये हमें OH आयन माइनस देता है। दूसरा उदाहरण लेंगे हम, जैसे कि मान लो अपने NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसका हमने जलीय अपघटन कराया इसका, तो ये हमें OH आयन माइनस देगा। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। क्या कहेंगे इनको, हम क्षार कहेंगे। जैसे कि देखो वापस से, KOH इज इक्वल टू के प्लस धनाइन प्लस OH ऋणाइन, ये आपकी एक्वेटिक इनकी जलीय प्रवृत्ति है। सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, सोडियम अलग हो गया यहाँ पे और हाइड्रोक्साइड अलग हो गया यहाँ पे, OH आयन हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार के जो पदार्थ है, जो विलयन है, वो हमारे कौन से होते हैं, क्षार कहलाते हैं आरनीएस के अनुसार। हम नेक्स्ट टॉपिक में वरास्टेट लोरी संकल्प पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।